यूपी के बुलंदशहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां एक तरफ अनलॉक में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, वहीं बाइक सवार बदमाशों ने छतारी में एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 5,70,000 रुपए की नकदी लूट ली और फरार हो गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की वारदात महज एक मिनट में अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। तस्वीरों में दिख रहे ये नरोरा के राजघाट में भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले विनोद गुप्ता हैं, जिनसे शुक्रवार को दो बाइक पर सवार 5 शस्त्रधारी लुटेरों ने 5,70,000 रुपए की नकदी से भरा थैला उस समय लूट लिया जब वह नरोरा की स्टेट बैंक शाखा से नकदी लेकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहे थे। लूट की वारदात से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस ने जनपद की सीमाएं सील कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। हालांकि पुलिस अभी तक लुटेरों का सुराग तो नहीं लगा पाई है, मगर लूट का मामला जरूर दर्ज कर लिया है। आज शाम 5 बजे के लगभग नरोरा थाना क्षेत्र में लूट की एक घटना हुई है। एक विनोद कुमार नामक व्यक्ति जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं राजघाट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नरोरा शाखा से 5,70,000 रुपए लेके अपनी स्कूटी से निकले थे। रास्ते में इंटीरियर रास्ता है, बिल्कुल एकांत सा। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पैर से मार के उनकी स्कूटी को गिरा दिया। जब वो स्कूटी से नीचे गिर गए और एक पैर स्कूटी से दब गया, इसी बीच उनका बैग छीन करके भाग गए। इसमें हम सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। तमाम तकनीकी विधियों का और अन्य स्रोतों के माध्यम से अभियुक्तों के विषय में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही हम इस घटना को वर्कआउट करेंगे। कल मैं बैग से कैश लेने गया था अपना CSP सेंटर बांटने के लिए। शाम को लगभग 4:50 कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे साथ धक्का करके स्कूटी गिरा दी और मेरा जो केस था 5,70,000 रुपये जो केस था और मेरी जेब में 8-9,000 रुपये रख थी, वो सारा कुछ लूट के लिए पुलिस ने बहुत रात भर दबिश भी दी होगी और बहुत मुझे साथ ही रखा। मतलब स्पॉट में भी गए वो लोग और बहुत पूछ थी, थाने में भी ले गए मुझे, वहाँ जाकर उन्होंने स्कूटी लिखवाई और दर्शन कर दिए साहब। कॉपी तो मुझे नहीं किया, रात सुबह किया जाकर उसकी कॉपी आपने जाना। सारे जितने भी यहाँ से लेकर के जहाँ स्पॉट था वहाँ से लेकर के और नरोरा तक जहाँ बैंक है, जितने भी CCTV लगे हुए हैं जिसके यहाँ भी रोड पे या साइड से, वो सारे फुटेज चेक किए रात में, बहुत रात भर उन्होंने चेक किया है। कई लोग थे बाइक सवार? बाइक दो बाइक थी वो, और एक था बाइक में 3 लोग थे, एक दो लोग थे, उन मिला के वो लगभग 5 लोग थे और 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। एक बाइक दो कदम आया। पीड़ित की माने तो वह स्कूटी से जैसे ही लोड़ाई गांव के पास पहुंचा, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसकी स्कूटी में लात मारी, इससे वह गिर गया। एक बदमाश ने कनपट्टी पर तमंचा सटाया और रुपये से भरा बैग छीनकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ आलम सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।